पॉलिटिकल बहू के नाम से ही पुकारना शुरू कर देंगे, राजनीतिक बहू अगर वो अपने आप ही बहू बनने के लिए तैयार है तो पॉलिटिकल बहू, राजनीतिक बहू मान लेंगे हम। वो भीड़ ट्रैफिक जाम की थी या भारी भरकम थी वो तो आप लोग तय करेंगे। आप ये बताइए कौन से गांव के लोग ज्यादा थे, कौन से गांव के लोग ज्यादा थे? अब हरियाणा से लाए हुए लोग, ट्रैफिक जाम के लोग, भीड़, हेलीकॉप्टर ऊपर घुमाकर, आज तक किसी पॉलिटिकल फंक्शन में, पॉलिटिकल शो में आपने कोई हेलीकॉप्टर फूल बरसाता हुआ देखा? ये एक नमक मिर्च लगाकर करने वाली बात है जो इस उत्तराखंड में नहीं चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मंगलौर विधानसभा सर्किल के कार्यकर्ताओं पर, नेतागणों पर अविश्वास की भावना प्रकट की है कि मंगलौर विधानसभा सर्किल का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने में सक्षम ही नहीं है, तो या तो ये बात है या भारतीय जनता पार्टी के मंगलौर विधानसभा सर्किल के किसी कार्यकर्ता नेता ने टिकट नहीं मांगा, या ये बात है, दो में से कौन सी बात है ये अब आप लोगों के लिए जांच का विषय है। लेकिन कल का रोड शो सिर्फ नेशनल हाईवे पर, आप अगर मुख्यमंत्री जी आएंगे तो वैसे ही ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो उसे आप अगर रोड शो की संज्ञा देंगे तो ये तो बिल्कुल ही अनुचित है। चलिए जिसकी जो मर्जी उन्हें भी कहने दीजिए, मैं यहाँ पैदा हुआ पला बड़ा हूँ, मुझे इस पर कोई सफाई देने की शायद जरूरत नहीं। सर कांग्रेस भी लगाएंगे रोड शो? हम जरूरत के हिसाब से करेंगे, हमें शो की जरूरत उन्हें है जिनके पास कोई काम नहीं है, वो शो वो करते हैं, जो 15 दिन के लिए चुनाव लड़ते हैं उनके इवेंट मैनेजर्स होते हैं, वो इवेंट मैनेजर्स प्लानर्स होते हैं, वो प्लान करके देते हैं आज ये रोड शो, आज ये शो। हम लोग जनता के बीच में, जनता से जनसंपर्क करते हुए, सभी सम्मानित लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग अपनी अपनी जगह मजबूत हैं और अपनी अपनी जगह सभी लोग काम कर रहे हैं, तो हमें उस तरह के इवेंट मैनेजमेंट की जरूरत नहीं। सर भाजपा ने सभी बड़े नेता अपने यहाँ चुनाव में लगा दिया है, कांग्रेस के कोई बड़े नेता अब तक नहीं दिखाई? कांग्रेस का कौन सा बड़ा नेता यहाँ नहीं था परसों जी? उसका नाम बताइए कौन नहीं थे जी? सभी आए, और शायद कोई ऐसे बड़े नेता नहीं थे जो नहीं आए जी, तो इंक्लूडिंग हमारे सभी माननीय लगभग विधायक सभी शामिल थे, तो सभी जब जैसे जैसे अभी आज नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी होगी फिर धीरे धीरे सभी लोग लगेंगे। तो अगर वो बहू है चलो आज से उन्हें कल बहू के नाम से ही पुकारना शुरू कर देंगे, राजनीतिक बहू अगर वो अपने आप ही बहू बनने के लिए तैयार है तो पॉलिटिकल बहू, राजनीतिक बहू मान लेंगे हम। कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है। ठीक, थैंक यू।